जनता पार्टी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा पंजाब के दौरे पर हैं, जिसके तहत वो धूरी में पहुंचे, जहां उन्होंने वर्कर मिलनी की और संबोधित करते हुए कहा कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्कर इसके लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा पंजाब में नया पंजाब बनाने के लिए मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, जिसमें भ्रष्टाचार, औरतों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा पंजाब में चाहे सत्ता बदलती रही है मगर व्यवस्था नहीं बदली। खेतीबाड़ी संबंधी बिलों को लेकर चले संघर्ष का विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं के सवाल पर उन्होंने कहा ये मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। विधानसभा पार्टी के सब नेता जड़े है एक-एक विधानसभा जा रहे हैं, तहत मेरा भी पूरी विधानसभा जाना हुआ। इस तो पहले मैं संगरूर की विधानसभा से सी, 35वीं विधानसभा है जिसे व्यक्तिगत रूप से मेरा जाना होया। साढ़े महामंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब लोग अलग अलग विधानसभा प्रवास कर रहे हैं और सारा पता ही है कि विधानसभा दोणा जी है वो दरवाजे से खड़िया है। उस अपने वर्कर की तैयारी की है, संगठन की तैयारी की है, उसके विषय च लैके ही अज मेरा भी धूरी आना होया है। सर जब तक सवाल है ना कि बीजेपी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बीजेपी का अपना एक राष्ट्रीय नेतृत्व है और पार्लीमेंट बोर्ड है और उन्होंने अंदर तय होता है कि पार्टी किस तरीके नाल अगे बढ़ेगी। ये ठीक है कि वो पंजाब यूनिट के नाल सलाह मशवरा करन तो बाद राय लैन तो बाद अगे बढ़ते हैं, लेकिन अज की डेट से बतौर प्रधान 117 सीटा से अपनी पार्टी को चुस्त दुरुस्त करना और चुनाव के लिए तैयार करना ये मेरे जुम्मे लगा हुआ है। समाप्त हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस बड़ा दिल करके ये गल कह के इस कानून को वापस लिया कि ये मैं किसान के हित से लिया सी, पर मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, हूँ मैं देश के हित से नू वापस लै रहा। इस करके मैं लगता कि और नाल उन्होंने अपनी कटिबद्धता भी दिखाई कि असी किसानों के हित हमेशा काम करते रहेंगे। मैं लगता यदा असर जनमानस के अंदर आएगा, बीजेपी पहला ये गल समझनी चाहिए। मैनूफेस्टो या संकल्प पत्र पार्टियां छाया करते, व्यक्ति नहीं होंदा उस, ये पंजाब के नौजवानों नाल किसानों नाल कांग्रेस ने कमिटमेंट की थी राहुल गांधी की फोटो लगा के कि किसानों का ऋण माफ़ करांगे, असी रुजगार मुहैया करावांगे, जे रुजगार मुहैया नहीं करावांगे तो 2500 रुपया देंगे, पंजाब नूं नशा मुक्त करांगे, बेअदबी वाले नूं सजा देंगे। ये घोषणा पत्र किसी व्यक्ति का नहीं सी, कांग्रेस पार्टी का सी और उहदे लई एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, पूरे का पूरा कुनवा दोषी सी, सारे मंत्री उन्होंने दोषी सी, अज भी जिहड़े कैबिनेट दे 90% मंत्री तो ही ने। इस देश के अंदर ब्लैक मनी के अंदर कितना बड़ी चोट लगी है ये सामान्य जनमानस जानता है और मोदी की सरकार 7 साल हो गए ने, भ्रष्टाचार से जिस प्रकार का अंकुश लगा है इस सरकार के दामन दे जिन्ना